नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं जनरल साइंस के क्वेश्चंस यूपीएससी और आरआरबी और एसएससी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जनरल साइंस जीके के सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण सवाल का सोल्यूशन कराऊंगा। तो वीडियो देखते रहना लास्ट तक। सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो डेसिबल का प्रयोग किया जाता है वातावरण में ध्वनि मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर दो देखिए, कोयले की विभिन्न किस्मों में से कार्बन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा एंथ्रासाइट में होता है। क्वेश्चन नंबर तीन, पीतल जोड़ संचारित किया जाता है एडीज मच्छर द्वारा। विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग होता है यूरेनियम धातु का। क्वेश्चन नंबर पाँच है, घासों का अध्ययन कहलाता है एग्रेस्टोलॉजी। नाभिकीय की रिएक्टर के खोजकर्ता एनरिको फर्मी हैं थे। तत्व के सबसे छोटे भाग को कहते हैं परमाणु। क्वेश्चन नंबर आठ, डबल रोटी में प्रयोग होने वाला बेकिंग पाउडर कहलाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण या ऑक्सीकर्ता है फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर दस, किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है, तांबा। क्वेश्चन नंबर 11, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चडविक 1931 में। वनस्पति घी से कैसे बनाया जाता है, हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति घी बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, पानी में जलनशील होने वाला तत्व है सोडियम। पानी में जल जाता है सोडियम। WBC का निर्माण किया जाता है अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 15 फोटोफास्फोरिलेशन बहुत बड़ा शब्द हिंदी का है, ADP से ATP में बनाया जाता है, याद कर लीजिएगा। शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस से। क्वेश्चन नंबर 17, अमीबा में भोजन का अंतर्गत होता है कोटपाद में। क्वेश्चन नंबर 18, मुंह की लार में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 19, जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं क्षार। क्वेश्चन नंबर 20, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। तो क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं, देखिए स्क्रीन पर, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखने का कारण अपवर्तन। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। 23 देखिए, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है ये धड़ेंद्री पाली। क्वेश्चन नंबर 24, सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान लगभग 14 होता है, सबसे ज़्यादा होता है लगभग में। सिनेमा के पर्दे में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। तेज प्रकाश में पुतली का आकार हो जाता है छोटा। 28 देखें, नींबू के रस का pH मान लगभग 2.2 होता है। 29 देखिए, हार्मोन शब्द का नामकरण किया था बेलिस एम स्टार्लिंग ने। क्वेश्चन नंबर 30, जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। देखिए, फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।